My name is Sweetie. My dreams to work in the nail art shop in the mall. अरे सुनो ना, मैंने ना इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन कर ली है. अब आप देखना कॉलेज के बाद आपकी स्वीटी क्या क्या नहीं कर सकती. ये है स्वीटी और ये है न्यू और इम्प्रूव्ड स्वीटी, जिसको मिल गई है एक नई शक्ति, अंग्रेजी. शायद इसके बाद ना अपन को मेरे मतलब का जॉब मिल जाएगा. माई ड्रीम इज टू वर्क नेल आर्ट शॉप में C21 मॉल की. पता है जब भी मैं मॉल में जाती हूँ ना, तो वो काउंटर के पीछे मैं खुद को देख लेती हूँ. पर मुझे पता है अगर मुझे C21 मॉल में काम करना है ना, तो मुझे घरारे वाली अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी. पर फिलहाल प्रॉब्लम ये नहीं है, इंग्लिश सीखने से ज़्यादा मुश्किल हो गया है रवि को मनाना. स्वीटू, ये मॉल वॉल बुटीक शूटिंग मेरे से ज़्यादा ज़रूरी है क्या? और वैसे भी अपने को ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए साथ में. नहीं, मैं हूँ ना काम करने के लिए, तू बस मेरी बीवी बनकर ऐश करियो. ये क्या, स्वीटी की सारी शक्तियां हो गई है गुल. अब रवि मेरे पति बनने के लिए अपनी कोचिंग क्लास तो नहीं छोड़ रहे. उसे लगता है कि मुझे क्लास से ज्यादा ना उस पर ध्यान देना चाहिए. अरे इंग्लिश क्लास से ज्यादा मुश्किल तो लोगों को मनाना हो गया है. आपको पता है ये मनाने वाली प्रॉब्लम ना मैं पापा के साथ भी पहले झेल चुकी हूँ. पापा मुझे अच्छे से इंग्लिश सीखनी है. अरे क्या जरूरत है बेटा, इतनी अच्छी तो आती है. ये शाम की क्लासेस मेरे को समझ में नहीं आती. कॉलेज जा, टाइम से घर आ जा, हैं? पापा प्लीज. अरे बेटा तेरी बुआ भी बोलेंगी कि शाम में बच्चे को घर से बाहर भेजने की क्या जरूरत है. पापा वैसे अपन सोच रहे थे ना, अपन ही मान जाते हैं और आपकी फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं. मेरी? हाँ. अरे ठीक है बेटा, वो मैं बुआ को तो समझा ही दूंगा. कोई बात नहीं. पता है मेरी फेसबुक पर 2 और प्रोफाइल्स हैं, वो रिश्तेदार वाली मैं ऐड कर दूंगी. पहले पापा नहीं मान रहे थे, अब रवि नहीं मान रहा है. मैं क्लास ना जाऊं इसके लिए मेरी क्लास ले रहा है. स्वीटी छात्रा ये देखो, तुम्हारे क्लास जाने से कितनी चीजों की बर्बादी होती है. पैसे, पैसों की, वासे, वक्त की. और चैप्टर 4 क्यों रीड किया तुमने? चैप्टर 4 जिसमें लिखा है कि कैसे 4 साल बाद जब मेरी नौकरी लग जाएगी और हम दोनों की शादी हो जाएगी, तो तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और होमवर्क क्यों नहीं किया? होमवर्क? यस, होमवर्क. तुम्हें दिन के कितने मैसेजेस भेजने थे मुझे? 25. और तुमने कितने भेजे? 3. कमजोर कड़ी, अति नालायक. रवि मेरी क्लास थी, मैं भूल गई. भूल गई? खाना खाना भूलती हो, सांस लेना भूलती हो, ये कैसे भूल गई? स्वीटी छात्रा, आज के बाद भले क्लास मिस होना हो, लेकिन मुझसे मिलना बंक नहीं होगा. कहता है बुटीक में काम कर ले, पैसे देके इंग्लिश सीखने की क्या जरूरत है? अरे भाई मैंने उसे कभी कहा क्या? पापा की दुकान पे बैठ जा, पैसे देके रिज्यूमे बनाने की क्या जरूरत है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतने सारे सवाल उठ रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी क्विज शो में आ गई हूँ. आदर, आभार, अभिनंदन, आदाब, मैं अमिताभ बच्चन आज आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ एक अद्भुत शो जिसका नाम है क्या चुनेगी स्वीटी. और आज स्टूडियो में हमारे सामने बैठी है स्वीट सी स्वीटी जी, जो कि आई हैं इंदौर से. स्वीटी जी, आपका पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये, अब आप क्या करेंगी? और आपके ऑप्शंस ये रहे. ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश कोर्स कंप्लीट चाहे रवि नाराज हो ना हो. ऑप्शन नंबर बी, लीव इंग्लिश कोर्स फिर मॉल में जॉब मिले ना मिले. ऑप्शन नंबर सी, बुटीक में काम. या फिर ऑप्शन नंबर डी, लुंगी डांस.
सी या डी तो नहीं हो सकते, बुटीक में मुझे काम करना नहीं है और लुंगी डांस तो बहुत पुराना हो गया है। तो फिर ऑप्शन नंबर ए या बी, आपका दिल क्या कहता है? मेरे दिल को तो ए ही सही लग रहा है। तो क्या हम ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दें? पर रवि को नाराज करना, मैं अपनी लाइफलाइन यूज करना चाहती हूँ। कौन सी? फोन अ फ्रेंड। किसको कॉल लगाना चाहेंगी आप सुडी? रवि को। ओके कंप्यूटर जी, तो स्वीटी जी के बॉयफ्रेंड रवि को कॉल लगा। हेलो स्वीटू। हेलो रवि, मुझे सच में इंग्लिश सीखनी है। फिर वही बर्बादी, वासे वक्त की। लेकिन रवि, मैं वक्त बचा के टाइम पास ही तो करूंगी ना। और पैसे पैसों की? रवि, मैं अंग्रेजी सीख के पैसे भी तो ज्यादा कमाऊंगी ना। हाँ, और वो चैप्टर 4 और होमवर्क, दिन के 25 मैसेजेस, वो तो मैंने नहीं किया रवि, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से अंग्रेजी में रिज्यूमे बनाया है। अब तुम्हें पैसे देकर रिज्यूमे नहीं लिखवाना पड़ेगा। और हमारे मिलने की अटेंडेंस? बस कुछ ही दिनों की बात है रवि, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे अपने लिए भी थोड़ा सा समय चाहिए। बिकॉज दिस इज माई ड्रीम एंड इफ आई पुट हार्ट इन टू आई कैन डू, आई नीड योर सपोर्टिंग ऑल्सो। स्वीटू, वो लास्ट वाला थोड़ा फास्ट था, नहीं एकदम 150 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ऐसे बुमरा का बाउंसर जैसे सर सर ससर करके ऐसे सर के ऊपर से ही चला गया, नहीं सच्ची। चल अगली बार तेरा क्लास नहीं होगा ना तो अब लोग कैफे चलेंगे, तू ऑर्डर करना। हाँ, और हाँ, इंग्लिश में ऑर्डर करना। ओह माय डियर, आप एक काम करिए, ए को लॉक कर दीजिए। क्या आप श्योर है स्वीटी जी? 100%। तो कंप्यूटर जी, ऑप्शन नंबर ए, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स को लॉक कर दिया जाए। आपने जो किया है वो बिल्कुल सही और विश्वसनीय। अविश्वसनीय। कहा था ना मैंने, रवि बॉयफ्रेंड है ही बड़े टॉप के, और अपन ने तो बॉयफ्रेंड भी सही चुना और जवाब भी। हाँ, सबको पटाने में टाइम तो लगता ही है, लेकिन अगर मुझे मेरे सपनों के लिए पराठे बेलने पड़े ना, मैं सारे पराठे बेल लूंगी। चलो अभी चलती हूँ, क्लास का टाइम हो गया, या फिर कहूँ इट इज टाइम टू अचीव माई ड्रीम। बाय, बाद में मिलती हूँ। आप ना लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और घंटी बजा देना, क्योंकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे ना। तब तक के लिए अलविदा।